श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अभी चैत्र नवरात्रि चल रही है, कल शुक्रवार का दिन है और 12 अप्रैल है, चतुर्थी तिथि है, माता की नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। इन दिनों में यदि हम लोग कुछ उपाय कर लेते हैं तो माता बहुत जल्दी हमारी मनोकामना पूरी कर देती है। यदि आप लोग बहुत ज़्यादा समस्या और परेशानियों से घिरे हुए हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ है, आपके यहाँ आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही या उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या आपके यहाँ धन रुपये पैसे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो आप लोग चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन एक छोटा सा उपाय अवश्य कीजिए। देखिए, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो भी समस्या है उसके लिए आप एक ही उपाय करें और उससे आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएं, तो कल के दिन आप लोग ये उपाय जरूर कीजिए। इसके लिए करना क्या है, देखिए इसके लिए आपको करना ये है कि 9 फूल लेने हैं। फूल कौन से होने चाहिए, तो देखिए फूल होने चाहिए लाल रंग के, लेकिन 9 फूल एक जैसे होने चाहिए। यदि आप कमल के ले रहे हैं तो कमल के लिए, गुलाब के ले रहे हैं तो गुलाब के लिए, गुड़हल के ले रहे हैं तो गुड़हल के लिए, लेकिन 9 फूल एक ही जैसे होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए। और यदि आप लोग फूल नहीं ले सकते तो एक काम कीजिए कि आप लोग फूल की 9 पत्ती भी ले लीजिए, जैसे कि गुलाब का फूल जो होता है उसकी 9 पत्तियाँ ले लीजिए। और इसके साथ में आपको लेना है एक शुद्ध घी का दिया, ठीक है। अब आप लोग अपने घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय में शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएं। जब आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद शिव जी के पास आप लोग बैठ जाएं। बैठकर आप जो 9 फूल या फूल की पत्तियां लेकर गए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में इस प्रकार रख लेना है। रखने के बाद आपको अपना नाम और गोत्र लेना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करने के लिए बाबा से विनती करनी है और साथ में माता अशोक सुंदरी से भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये जो उपाय है ये माता अशोक सुंदरी के नाम से किया जाएगा। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, ये जो 9 फूल या फूल की जो पत्तियां हैं इन्हें एक एक करके आप शिवलिंग में जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है, आप सभी जानते हैं कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है, शिवलिंग में जो जलाधारी होती है वो जहाँ से पानी बहकर नीचे जाता है वहाँ पर राइट हैंड साइड यानी कि सीधे हाथ तरफ गणेश जी हैं, उल्टे हाथ तरफ कार्तिकेय जी हैं और बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। तो वहाँ पर आपको एक एक फूल या एक एक फूल की पत्ती वहाँ पर अपना नाम और गोत्र बोलकर चढ़ाते जाना है। और जैसे आपकी विवाह की कामना है या आपकी नौकरी की कामना है या आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे बोलते जाना और एक एक फूल की पत्ती को चढ़ाते जाना है। चढ़ाते जाइए, जब सारी पत्तियाँ चढ़ जाएंगी उसके बाद आप बाबा से प्रार्थना कर लीजिए। अब जो घी का दिया लेकर गए हैं उसमें आपको गोल बत्ती डालनी होगी, गोल बत्ती और गाय का शुद्ध घी, और दीपक जो है वो मिट्टी का भी हो सकता है या फिर आटे का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और शिव जी के सामने आपको इसको जला देना है। जलाने के बाद आपको इस दीपक से बाबा की आरती उतारनी है। उतारने के बाद शंकर भगवान की जहाँ पर चौखट रहती है यानी कि शिव जी के ठीक सामने, वहाँ पर आपको रख देना है। रख कर प्रणाम कर लेना है, बाबा के सामने अपनी झोली पसार लेनी है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे कहकर नंदी के कान में भी एक बार कह दीजिएगा आप अपनी प्रार्थना और अपने घर वापस आ जाइए। देखिए गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को आप लोग कर लेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। शुक्रवार का दिन है, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आप सबको पता है कि शुक्रवार के दिन जो रहते हैं वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय रहती हैं। तो शुक्रवार के दिन आप लोग शाम के समय एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। आपको एक दीपक लेना है, मिट्टी का हो तो भी चलेगा, नहीं तो आटे का भी चलेगा। उसमें आपको लंबी बत्ती लगानी है, गाय का शुद्ध घी डालना है और यदि आपके घर में बेलपत्री का पेड़ है तो वहाँ पर भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप लोग अपने घर के आसपास जहाँ पर भी हो ये पेड़ वहाँ जाके कर सकते हैं, या कहीं कहीं पर मंदिर में भी होता है वहाँ पर भी जाके कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये दीपक जलाकर रख देना है, माता लक्ष्मी से और भगवान कुबेर से प्रार्थना कर लेनी है कि भगवान हमारे घर में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा कर्ज है, आप हमारे घर से धन की समस्या दूर कीजिए। इस प्रकार दीपक को जलाकर प्रार्थना करके आ जाइए। गुरु जी कहते हैं कि शुक्रवार के दिन, वो भी नवरात्रि का शुक्रवार है, आप लोग इस उपाय को करेंगे तो आपके घर से धन की और कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी। तो नवरात्रि के दो छोटे से उपाय मैंने आपको बताया है शुक्रवार के दिन, आप लोग इन उपायों को जरूर कर लीजिएगा, आपको फायदा अवश्य होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।